सरोकार। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, तो लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो नाबालिग गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद किया है, तो लखनऊ पुलिस ने दो नाबालिग गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद किया है। वादनी ने स्थानीय थाने पर सूचना देकर पुलिस को कराया था गुमशुदगी के मामले से अवगत। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी लगातार जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने दो नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने दो नाबालिग गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद किया है। तो लखनऊ में 25 मई को होगी बीबीडी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भव्य ओपनिंग। यूपी के मेजबानी में 25 मई से 3 जून तक चलेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। बीबीडी में कुल 1200 खिलाड़ियों के लिए तैयार कराया गया है हॉस्टल, जिसकी शुरुआत 25 मई से होगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बीबीडी में बनाया जाएगा एक कंट्रोल रूम। खिलाड़ियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कराए जाएंगे। तो आपको बताते चले कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए जाएंगे। दरअसल 25 मई को बीबीडी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भव्य ओपनिंग होनी है, और यूपी की मेजबानी में 25 मई से 3 जून तक चलेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कानपुर में लोहा कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लूट के दौरान बदमाशों ने मारी थी कारोबारी को गोली, इलाज के दौरान कारोबारी की हुई मौत। व्यापारी से बदमाशों ने की 7 लाख की लूट, लूट के दौरान गोली भी मारी गई है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर कई धाराओं में यह रिपोर्ट भी दर्ज की है। वही पुलिस लगातार कार्रवाई में जुट चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर के चकेरी थाने के श्याम नगर चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, लोहा कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारते हुए उसे घायल किया है और उसकी मौत भी हो गई है, अभी तक इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से बाइक सवार 3 बदमाश जो है कल चकेरी थाने जो थाना है उसके करीब में जो एक लोहा कारोबारी है वो अपने इस शॉप पर बैठे हुए थे, इसी दौरान जो है बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और एकाएक जो अंदर कर्मचारी थे उनको बंधक बनाते हुए इनको भी बंधक बनाया। जब इन्होंने विरोध किया तो एकाएक इनको जो है गोली मारी थी और जो गल्ला था गल्ले से वो लोगों ने लगभग 7 लाख रुपए निकाले और भाग निकले थे। इस दौरान जो है वहां पर जो लोग थे उन्होंने घायल अवस्था में इन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उनकी इलाज के दौरान रात को मौत हो गई। जब रात को मौत हुई है तो इस घटना की जानकारी लगते ही जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और मामले में जो जांच पड़ताल करने की बात कहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से थाने के पास में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जो पुलिस कहती है कि बदमाशों पर लगाम लग रहा है लेकिन लगाम केवल कागजों पर दिखाया जाता है लेकिन जमीनी हकीकत साफ कुछ और दिखती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस मारकर घायल कर दिया गया है, तो वहीं अब आप भी ये बता रहे हैं कि कारोबारी को गोली मारते हुए मौत के घाट उतार दिया गया है, तो आखिर कानपुर पुलिस जो है वो कर क्या रही है कि उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है? देखिए, जिस तरीके से अब अधिकारी जो है लगातार कह रहे हैं कि वो नाकाबंदी की जा रही है, उन बदमाशों की तलाश की जा रही है, घटना के आसपास लगे जो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन जो पुलिस का एक जो रवैया है यानी कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश, बदमाश अपनी घटनाओं को अंजाम देकर के निकल जाते हैं, बाद में पुलिस केवल एक लकीर पीटती हुई नजर आती है और वो कहती है कि वो खुलासा कर रही, लेकिन खुलासे के नाम पे जीरो पूरा नजर आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हत्या हो जाती है, हत्या के बाद आके पुलिस बदमाशों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, 24 घंटे होने को है लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरीके से दूर है। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में द केरला स्टोरी की टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। वही सीएम योगी से उनके आवास पर ही ये शिष्टाचार भेंट की गई है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से एक शिष्टाचार भेंट की है। वही फिल्म के निर्माता और अभिनेत्री अदा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस